सीटेट का जब आप एडमिट कार्ड प्रिंट आउट निकालते हैं तो उसके साथ आपको ये दिए रहते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आप इस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में बताएंगे। जैसे कि आप यहां पे देख लीजिए, मैंने एक ऑलरेडी फॉर्म फिलअप करके रखा है। तो चलिए अब समझते हैं कैसे आपको भरना है। तो आप यहां पर पहले हिंदी में समझिए ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो समझने में। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए, आई हेयर बाय डिक्लेयर डैट आई डोंट हैव एनी ऑफ द बिलो लिस्टेड सिम्टम्स। यानी कि दोस्तों, नीचे में आपको जो भी दिया गया वो आप में नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर हिंदी में पढ़ सकते हैं, मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे पास नीचे सूचीबद्ध लक्षणों में से कोई नहीं है। जैसे कि कफ, खांसी होता है इसका हिंदी कोल्ड, सर्दी, रनी नोज, वाती नाक, फीवर बुखार और ब्रीथिंग प्रॉब्लम यानी सांस लेने में तकलीफ। तो जिनको कोविड होता है 19 वो पॉजिटिव होते हैं, उनमें ये सारे प्रॉब्लम दिखते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर टिक करना है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर हिंदी लिखा हूँ, आपको बिल्कुल एडमिट कार्ड मतलब इस फॉर्म पर हिंदी नहीं लिखना है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ इस प्रकार से आपको फॉर्म को भरना है। मैं आपको यहाँ पर समझा दिया आपको हिंदी, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो ना आपके पास कफ की प्रॉब्लम है, ना कोल्ड नो या रनी नोज की प्रॉब्लम है, ना आपके पास बुखार की प्रॉब्लम है या सांस लेने में भी तकलीफ नहीं है। तो ये चारों डब्बे में आपको टिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आप नीचे आएंगे तो कैंडिडेट नेम आप किस तरह से भरेंगे, तो आपके जो एडमिट कार्ड हैं उस पर कैंडिडेट नाम किस तरह से दिया गया उसी तरह से आपको स्पेलिंग भरना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए, अगला ऑप्शन है रोल नंबर का। तो आपके एडमिट कार्ड के रोल नंबर कहाँ पर है वो आप यहाँ पे देख लीजिए, रोल नंबर यहाँ पर है। मैंने डिटेल्स हाइड करके रखा है सिक्योरिटी रीजन से। आपको जो भी आपका रोल नंबर होगा उसे आपको यहाँ पर भरना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए, अगला ऑप्शन आपको मिलता है डेट ऑफ एग्ज़ाम, यानी एग्ज़ाम डेट आपको यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद एग्ज़ाम कौन सा दिन होगा उसका भी यहाँ पर लिखा गया। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर, नेम एंड एड्रेस, यानी कि दोस्तों आपके एडमिट कार्ड पे लिखा रहता है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है, आप यहाँ पे देख लीजिए। तो यही एड्रेस आपको पूरे यहाँ पर भर देने हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर दो लाइन मिलता है, इसमें आप पूरे वो एड्रेस भर दीजिए। उसके बाद जो भी स्टूडेंट होंगे उनका सिग्नेचर यहाँ पर करवा देना है। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को भरेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके मन में किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें नीचे कमेंट कीजिए या डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, जहां पर आपको 24 घंटे के अंदर कभी भी रिप्लाई मिल जाता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ।